इस खेल के मुख्य जो आयोजक है वो हमारे बीच है, तो उनसे जानते हैं कि इस खेल की जो सारी जो व्यवस्था इन्होंने की और किस रूप से इस खेल का आयोजन किया जाता है, तो हम बताएंगे आपको। देखिए, APSM कॉलेज में दो यशस्वी छात्र जिनके नाम से यह, जिनकी स्मृति में यह प्रतियोगिता हो रही है, रोशन 3 साल पहले उसकी संदेहास्पद अवस्था में सब मिला, और फिर पिछले साल 1 साल हुआ है प्रिंस, उसकी भी संदेहास्पद अवस्था में सब मिला, और दोनों के नाम पर, दोनों ओजस्वी खिलाड़ी थे, अच्छे छात्र थे और इस कॉलेज के छात्र थे, हमारे संगठन से भी जुड़े हुए थे, उन्हीं दोनों के नाम पर यह वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ। 8 टीमें इसमें भाग ली है और इसका आयोजक ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जिला परिषद ने किया है, और तमाम यहाँ के स्थानीय जो खिलाड़ी हैं, स्थानीय राजवाड़ा की जो टीम है, उन्होंने भरपूर मेहनत किया और उन लोगों के मेहनत के बदौलत ही यह खेल प्रतियोगिता संपन्न हुआ। तो हमारे बीच AISF के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो इनसे हम जाने कि इस खेल के बारे में इनका क्या कहना है। कोई भी खेल, खास करके हमारे देश के अंदर, चाहे वो किसी भी तरह का खेल हो, वो हमारे देश के सभ्यता संस्कृति का एक अंग है, और निश्चित तौर पर जब हमारे देश के सभ्यता संस्कृति का एक अंग है तो इसे जीवित रखना और इसको जिंदा रखने के लिए जो यहाँ बरौनी में AISF बेगूसराय जिला परिषद के द्वारा ये आयोजन किया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है। यहाँ के आयोजनकर्ता को हम धन्यवाद देते हैं कि इस देश के सभ्यता संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर खेल का आयोजन किया, और आगे भी इस तरह का खेल का आयोजन होना चाहिए। निश्चित तौर पर जो खिलाड़ी हैं उनको भी आगे दिनों में आकर उनको बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, बेहतर से बेहतर टूर्नामेंट में भाग लें और जिले का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। इसके लिए हम तमाम लोगों को शुभकामना देते हैं। एक और मुख्य अतिथि थे, तो उनसे जानेंगे कि इस खेल के बारे में उनका क्या कहना है। जी, खेल यहाँ 2 दिवसीय खेल हुआ था, पर कल से ही खेल चालू थी, वॉलीबॉल प्रतियोगिता टूर्नामेंट का आयोजन AISF के छात्र संघ के उपाध्यक्ष राकेश जी के द्वारा ये किया गया था, और इनके द्वारा हमें आमंत्रित किया गया था, यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। और चूँकि खेल बेगूसराय खेल से जुड़ा हुआ रहा है, हमारा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट खेल के माध्यम से भी बिहार में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और चाहे वो कबड्डी प्रतियोगिता हो, वॉलीबॉल हो, या किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो, और इससे जुड़ के रहना भी लोगों को चाहिए, चूँकि इससे एक सृजन, रोजगार का भी सृजन होता है। चूँकि आप देख रहे हैं कि हमारे बेगूसराय से सैकड़ों, हजारों की तादाद में युवाओं को नौकरियाँ मिलती है इस खेल के माध्यम से, तो ये मनोरंजन का ही साधन नहीं है, यह एक हम लोगों से जुड़ा हुआ है और हम लोगों का ये ज़रूरत भी है, और शरीर स्वास्थ्य भी रहता है इससे, तो हर तरह से दृष्टिकोण से यह एक सही है। और जिस तरह से राकेश जी ने एक संघर्षपूर्ण यह आयोजन किया है, तो मैं इनका पहले तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने यह आयोजन किया है। ये प्रोग्राम जो है AISF APSM कॉलेज इकाई निवेदक है, उसके निवेदन पर जिला स्तरीय जिला परिषद ने इस बिल को पास किया और ये खेल हुआ। और इस खेल का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो दो चेहरे आप देख रहे हैं इस बैनर में, रोशन प्रिंस स्मृति, तो रोशन जो कि इसी कॉलेज का चैंपियन था, एथलेटिक्स चैंपियन, कहीं से भी जाता था तो कोई भी प्राइज वो लेकर ही आना था इस कॉलेज के लिए, वो एथलेटिक्स चैंपियन भी था, जिला स्तर पर भी, यूनिवर्सिटी स्तर पर से, अनेकों स्तर से मतलब चैंपियन रहा। उसकी मृत्यु रेलवे दुर्घटना में दुखद रूप से हो गई, और AISF की स्थापना, जैसे AISF को लेकर आना इस कॉलेज में, अहम भूमिका प्रिंस, रोशन और एक हम थे, तीनों आदमियों ने मिलकर उनकी याद में, उनके सम्मान, हाँ जी बिल्कुल, उनकी याद में और उनके यादों को संजो कर रखना हमारा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को हम मरते दम तक निभाएंगे। और जब जब हर साल, ये नहीं है कि एक साल भी मिस, हर साल उन दो, कितने साल से हो रहा है, 2 साल से ये लगातार हो रहा है, जी 2 साल से हम लगातार, पहले 1 साल
प्रिंस की डेथ नहीं हुई थी तो रोशन स्मृति किए थे। इस बार संजोगवश दुर्भाग्यपूर्ण हमारी स्थिति जो समझिए आप, जब प्रिंस हमारे बीच नहीं रहे तो हमने दोनों का नाम ऐड करके उसके बाद दोनों के नाम पे ये मैच का आयोजन किया। बहुत अच्छा कार्य आपने किया और आगे भी हमारा उम्मीद है कि आगे भी जितना बेहतर हो सके उनके उसके नाम से हर साल हर महीने हो सके तो हर दिन कुछ ना कुछ करूं। जो भी मुझे पहचान मिली है AISF या फिर कहीं पर भी दोस्त में मित्र में जिला में जो भी पहचान मिली है इन दोनों के बदौलत मिली है। अगर ये दोनों नहीं होते तो आज मेरी कोई पहचान नहीं होती और ना ही मैं कुछ होता। से डरते हो जिंदगी से डरते हो जिंदगी से डरते हो जिंदगी तो तुम भी हो जिंदगी तो तुम भी हो जिंदगी तो हम ही है। अभी हमारे बीच है विजेता टीम, जो वॉलीबॉल मैच चल रहा था दो दिन से, तो विजेता टीम के कैप्टन से बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम रखा गया था, ये जो खेल का जो प्रोग्राम रखा गया था, इस पर क्या कहना है आप? ये जो प्रोग्राम रखा गया था काफ़ी बढ़िया, जो कमेटी राजवाड़ा के हैं काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखे और हम लोग को निमंत्रण दिए कि आना है आप लोग को खेलना है, जो कि काफ़ी अच्छा कमेटी ने खेल भी अच्छा कराया, बहुत ही अच्छा, और आप लोग भी देखें कि कितना रोमांचक खेल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का।
सकते हैं कि आप भी बताइए कि आपको जो ये दो दिन का जो मैच था वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। विपक्ष के जो टीम थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत इतना अपने ओर से बहुत अच्छा प्रयास किया उन्होंने, बहुत अच्छा खेला उन्होंने, हम लोग की तरफ से तो और भी अच्छा खेला, बस धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो मैं आपको बता दूं कि रोशन और प्रिंस दो छात्र थे जिनकी जिनके याद में और उनके सम्मान के लिए यह वॉलीबॉल प्रोग्राम किया जाता है और जो वॉलीबॉल का खेल होता है वो किया जाता है। तो कुल आठ टीम इसमें पार्टिसिपेट की थी और दो टीम जो फाइनल में गया, कौन कौन सा टीम था? राजवाड़ा बरौनी। तो दोनों में से कौन सा जीता? राजवाड़ा की बरौनी एसएससी जीता। तो ये थे हमारे विजेता की टीम और दो टीम थी। तो सबसे पहली बात मैं उन सभी को धन्यवाद कहूँगा जो यहाँ पे खेलने आए, और वो प्रिंस और जो रोशन जी जिनके सम्मान में ये स्मृति में यह मैच रखा गया था। तो AI सब के तरफ से ये मैच रखा गया था, तो इसी के लिए मैं कुमार सानू आप सभी का धन्यवाद कहूँगा। और ये तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, मैं आप सभी से लेता हूँ अलविदा और मिलूँगा अगले एपिसोड में। नमस्कार।